दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं फेसबुक तो आप अपने मोबाइल में मैसेंजर का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैसेंजर के 5 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फीचर कौन से हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। फेसबुक मैसेंजर में बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला फीचर आता है यूज़र नेम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के URL को बदलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ID है जिसका URL है facebook.com/manoj.cool5751। तो यहाँ पर जो manoj.cool5751 है ये यूजर नेम है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं और इसके जगह पे एक आसान सा नाम रखना चाहते हैं जिससे कि कोई भी यूजर आपको आसानी से URL की मदद से ढूंढ ले, तो वो सब आप आसानी से यूजर नेम की मदद से कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर को ओपन करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रोल करके नीचे की साइड आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट यूजर नेम पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एडिट यूजर नेम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ से यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर का अगला जरूरी फीचर जो कि खास करके लड़कियों के लिए बनाया गया है, या दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आपको फेसबुक में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको लगातार मैसेजेस करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे अननोन फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको बार बार मैसेज करके परेशान करते रहते हैं। आप उनसे बातें करना नहीं चाहते फिर भी वो आपको लगातार मैसेजेस करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इसके लिए बेसिकली फेसबुक मैसेंजर ने एक फीचर बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं इग्नोर मैसेज। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को एक बार इग्नोर मैसेजेस लिस्ट में ऐड कर देते हैं, उसके बाद वो फ्रेंड आपको फेसबुक में कितनी बार मैसेज करेगा तो आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर को ओपन करना है। उसके बाद अब आपको जिस यूजर को भी इग्नोर मैसेज लिस्ट में ऐड करना है तो उस पर लॉन्ग प्रेस करे रखना है, यानी दबाए रखना है। तो जैसे आप दबाए रखेंगे उसके बाद अब आपको यहाँ पर इग्नोर मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इग्नोर पे क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद वो यूजर आपके इग्नोर मैसेज लिस्ट में ऐड हो गया। फेसबुक मैसेंजर का अगला इम्पोर्टेंट फीचर जिसका नाम है चैट ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस फीचर को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार आप फेसबुक मैसेंजर में ऑनलाइन दिखाई देते हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन हो जाए और आप बिना ऑनलाइन दिखे किसी भी यूजर से चैट करें, तो ये सब आप आसानी से फेसबुक चैट ऑफ फीचर की मदद से कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज करने के लिए बेसिकली आपको मैसेंजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो आपको सिंपली चैट को ऑफ करना है। आप नहीं दिखाना चाहते अपने फ्रेंड को कि आप ऑनलाइन है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद आपके किसी भी फ्रेंड्स को आप ऑनलाइन नहीं दिखाई देंगे। फेसबुक मैसेंजर का अगला जरूरी इम्पोर्टेंट फीचर जिसका नाम है सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम फेसबुक पे कुछ ऐसे प्राइवेट बातें करते हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल बातें करते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई भी हैकर उसे रीड ना करे, यानी हैक ना कर ले, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे उस चैट को रीड ना कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली फेसबुक मैसेंजर ने एक फीचर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। सीक्रेट कॉन्वर्सेशन फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर को ओपन करना है। उसके बाद आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट कॉन्वर्सेशन मैसेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस चैट को ओपन करना है। उसके बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गो टू सीक्रेट कॉन्वर्सेशन फीचर दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने इस फ्रेंड से सीक्रेट कॉन्वर्सेशन बात कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर का अगला जरूरी फीचर जो कि बहुत ज्यादा कूल है जिसका नाम है निकनेम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक मैसेंजर में किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और आप उसे एक निकनेम देना चाहते हैं, यानी जो भी उसका नाम फेसबुक मैसेंजर में आपके में शो कर रहा है उसे बदल के आप एक दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो वो सब आप आसानी से निकनेम फीचर की मदद से कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर के अंदर। तो इसके बाद कोई भी यूजर अगर फेसबुक मैसेंजर में उस
फ्रेंड का नाम देखता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ निकनेम दिखाई देगा, ना कि उस यूजर का रियल नाम दिखाई देगा। निकनेम फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको मैसेंजर को ओपन करना है, उसके बाद आप जिस किसी भी फ्रेंड को निकनेम देना चाहते हैं उसके चैट को सिंपली ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई बटन पे। तो जैसे आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक निकनेम्स का फीचर दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी निकनेम देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को वो यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे आप निकनेम दे देते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी निकनेम दिया था वही निकनेम आपको चैट में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थे फेसबुक मैसेंजर के 5 जरूरी फीचर जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और आपको इन फीचर्स को जरूर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और इधर में कुछ भी सवाल हो जो आपसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।